बापूजी बापूजी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप समझा देंगे। बंद कर ये सब पढ़ाई लिखाई, क्या कर लेगी तू पढ़ लिख के? तेरी माँ ने भी क्या कर लिया पढ़ लिख के? अभी झूला चौका ही तो कर रही है, तुझे भी बड़े होके वही करना पड़ेगा। रुक, मैं कल ही तेरे हाथ खड़ा करवा। प्लीज बापू जी ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज बापू जी प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। उसे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर लेने दीजिए। हेलो, हाँ चौधरी जी, मुझे कल ही अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता चाहिए। मम्मी मम्मी बापूजी को बोलो ना कि मुझे मेरे सपने पूरे करने थे, मुझे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे बापूजी को समझाऊंगी। समझाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। एक तो बेटी पैदा कर दी, ऊपर से मुझे समझाएगी। चल जा, मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं चाचा की तो नहीं आ रही? जाके देखती हूँ। क्या चाचा, क्या हाल है? ठीक हूँ बेटा। आपकी एक ही तो बेटी थी, उसको भी आपने शादी करके बचपन में घर से निकाल दिया, अब आपका ख्याल कौन रखेगा? अच्छा रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थोड़ा चलिए तो, हमारे चाचा का तबीयत खराब है। क्या हुआ आपको? बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। ये लो दवाई। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है बेटा। ये एहसान मैं तुम्हारा कैसे चुका पाऊंगा? एक वचन देकर। कौन सा वचन? मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को पढ़ने का हक हो, कुछ बनने का हक हो। बेटी दुनिया में क्या नहीं कर सकती। आपने मुझे पहचाना नहीं बापू, मैं आप ही की बेटी हूँ। आपने तो मुझे चूल्हा और दूल्हा के बीच में छोड़ दिया था, आज मैं अपने दम पर डॉक्टर बनी हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को अपना भविष्य बनाने का अधिकार हो। मैंने जो गलती की वो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के साथ ना करे।